हेलो दोस्तों, आज के हम वीडियो में बात करेंगे सेबी के ऊपर। स्टॉक एंड कॉम्पिटेटिव मार्केट बीकॉम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले कि अगर आपने और वीडियो नहीं देखी है तो आपकी प्लेलिस्ट में बनी हुई है स्टॉक एंड कॉम्पिटेटिव मार्केट की, आप वहां जाके और वीडियोस भी देख सकते हो। आज हम बात सेबी के ऊपर करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये नॉलेजेबल बहुत ज्यादा है अगर आपको इस चीज समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेबी की जरा सा क्रिएशन की बात करते हैं। सेबी कहाँ से बना और सेबी क्या होता है? सेबी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या मतलब है? नाम से आप समझ सकते हो कि सिक्योरिटीज को बेचना और खरीदने का बोर्ड है, मतलब हाँ उसको रेगुलेट करने का बोर्ड। एक्सचेंज वर्ड आ गया तो बाइंग एंड सेलिंग हो गया, तो सिक्योरिटीज जहां पर बेची जाती है खरीदी जाती है उसका बोर्ड है, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का बोर्ड है ये। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? सिक्योरिटी बेची जाती है खरीदी जाती है, तो उसको रेगुलेट करने का क्या है? बोर्ड, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बनी थी अप्रैल 1992 में, लेकिन बेसिकली ये बनी थी 1988 में, लेकिन जो इसको पावर मिली थी स्टैट्यूटरी पावर, स्टैट्यूटरी पावर का मतलब एक्चुअल में जो उसको पावर मिली थी कंपनी को ऑपरेट करने की, वो मिली थी 12 अप्रैल 1992 में। इसलिए इसको बताया जाता है कि 12 अप्रैल 1992 में एक्चुअल में बनी थी, लेकिन ये 1988 में बनी थी, ऑपरेट होना स्टार्ट हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। सो ये देखो वही लिखा हुआ है, बाय ऑफ द पैसेज ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट बाय द नेशंस गवर्नमेंट। तो ये जब एक्ट बना था उसके बाद ये इसको ऑपरेट होने लगी थी, उसके बाद इसको पावर मिली थी ऑपरेट होने के बाद, ऑपरेट होने के लिए। सो ये आपका कंट्रोलर है कैपिटल इश्यूज के लिए, जो भी यानी कि रेगुलेट करती है ये सिक्योरिटीज मार्केट को अंडर द कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट ऑफ 1947, पास जस्ट वन बिफोर गेन इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के जस्ट पहले ये बेसिकली कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट बना था, तो ये बेसिकली उसको रेगुलेट करने का काम करती है कैपिटल मार्केट को। सेबी हेडक्वार्टर कहां पर है? सेबी का हेडक्वार्टर है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई। उसके कई सारे रीजनल ऑफिस है जैसे कि न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, और कई सारे लोकल ऑफिस भी बहुत सारे हैं, बैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी, चंडीगढ़ जैसे जगह में। तो ये है सेबी। तो सेबी कब बना था? 1992 में, अप्रैल 92 में, हालांकि क्रिएशन 1988 में हुआ था। स्टैट्यूटरी पावर इस एक्ट के थ्रू बनी थी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, उसके थ्रू पावर मिली थी 12 अप्रैल 1992 में। समझ आ गई बात? ये क्या है? कंट्रोलर है पूरी स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने का, ये आपका बोर्ड है। ऑब्जेक्टिव क्या है सेबी? क्यों बोर्न हुआ था, क्यों बना था? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। क्योंकि यार इन्वेस्टर को अगर ट्रेडिंग करनी है स्टॉक मार्केट में, तो उसको इंटरेस्ट बेसिकली उसका हित जो है, उसके जो राइट्स है उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उसके दिमाग में यह आएगा कि ट्रस्ट नहीं आएगा स्टॉक एक्सचेंज में रिलेटेड, तो फिर वो कैसे ट्रेड करेगा? तो वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उसके दिमाग में ट्रस्ट आए कि हाँ मैं स्टॉक मार्केट में डील कर सकता हूँ। टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट ताकि अच्छे से रेगुलेट हो, वहां के रूल्स बनाए, उसके अंदर रेगुलेशंस बनाए जिससे वो फॉलो करे, जिससे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चले, ऐसा ना हो कि कुछ भी चल रहा है, स्कैम्स ना हो, ठीक है। टू प्रमोट एफिशिएंट सर्विसेज बाय द ब्रोकर, ब्रोकर के थ्रू एफिशिएंट सर्विस होनी चाहिए। ब्रोकर को लिस्ट होना पड़ता है, तो सेबी के थ्रू लिस्ट होते हैं वो, तो इसलिए एफिशिएंट सर्विस ब्रोकर दे पाए। मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, अदर इंटरमीडियरी बहुत सारे जो कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने में, स्टॉक एक्सचेंज जो चलाते हैं वो इनके थ्रू चलती है, तो इनको जो रेगुलेट करती है वो कौन करेगा? सेबी करेगी। सेबी इनको थ्रू रेगुलेट करता है ताकि वो एफिशिएंट सर्विस दे पाए, तो सेबी के बिना वो रजिस्टर नहीं हो सकते। टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ग्रोथ हो पाए सिक्योरिटी मार्केट की अच्छे तरीके से, वो भी सेबी करता है। प्रॉपर मार्केट इन्वायरमेंट बना सके जिससे एक अच्छे से लोग सिक्योरिटी को बाय और सेल कर सके, तो वो कौन करता है? सेबी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद टू रेगुलेट द ऑपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, बहुत सारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स होते हैं जैसे कि आपका ब्रोकर्स हो गए, और भी आपके बैंकर मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं कई सारे जो कि इंटरमीडिएट होते हैं, उनको ऑपरेशन को अच्छे से रेगुलेट कर पाए ताकि वो अच्छे से काम करें, बिकॉज वही आपका स्टॉक एक्सचेंज को ऑपरेट करने में मदद करते हैं। सस्टेनेबल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस इन्वेस्टर को, ये बहुत सारे सेबी क्या करता है, बहुत सारी आपका पब्लिकेशन निकालता है, एनुअल रिपोर्ट्स निकालता है, जिसके थ्रू इन्वेस्टर को गाइडेंस मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए स्टॉक एक्सचेंज कैसे वर्क करता है हर चीज के बारे में।
क्योंकि अगर पता नहीं होगा सेबी को, अगर बताएगा नहीं इन्वेस्टर, तो फिर इन्वेस्टर को नुकसान होता रहेगा। इसीलिए सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेबी सिर्फ इनको रेगुलेट नहीं करता, बड़े सारे म्यूचुअल फंड्स हैं उनको भी रेगुलेट करता है। म्यूचुअल फंड बेसिकली इसके अंदर ही आते हैं स्टॉक मार्केट के, इसलिए सो बेसिकली ये सेबी का काम है, ठीक है ना। उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल गाइडेंस प्रोवाइड करना, इसीलिए म्यूचुअल फंड के आप एड में देखते हो कि लिखा आता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रेट्स, रीड ऑल स्कीम्स डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। क्यों आता है ये सेबी कहता है, सेबी कहता है कि भाई ऐसा, वरना अगर सेबी नहीं बताएगा, सेबी कहता है कि एजुकेट करो, वरना इन्वेस्टर को पता नहीं होगा और वो उतर जाएगा म्यूचुअल फंड्स के अंदर और पता ही नहीं होगा, फिर फ्रॉड हो जाएगा, फिर कहोगे कि भाई फ्रॉड क्या हो गया, तो आपको पता ही नहीं है। एजुकेट करना बहुत जरूरी है। फंक्शंस ऑफ सेबी, सबसे पहला क्या, रेगुलेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शन मतलब जो रेगुलेट, यानी कि उनको कंट्रोल, रेगुलेशन, रूल्स बनाने का फंक्शन क्या है। सबसे पहला रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज। कई सारे बिजनेस होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज को, उनको रेगुलेट करता है। हमारे इंडिया के अंदर दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है, कौन कौन सी, बीएससी एंड एनएससी। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये आपके दो उनको रेगुलेट करने का मदद करता है। और कई सारी सिक्योरिटी मार्केट और भी है छोटी मोटी, बाकी मेन यही है। रजिस्टरिंग करना, स्टॉक ब्रोकर का रजिस्टर करने का काम, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, बैंकर्स, ट्रस्टी, रजिस्ट्रार, बहुत सारे, कई सारे जो बीच में काम कर रहे होते हैं, अंडरराइटर होते हैं, शेयर को बिकवाने का काम करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, वो सबको रजिस्टर होना पड़ता है सेबी के अंडर, ताकि वो अच्छे से ऑपरेट कर पाए। इसलिए हमने पढ़ा था ना आपको ऑब्जेक्टिव में भी, कि ये उनको एफिशिएंट सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करती है और उनको ऑपरेशन को सही काम करने का, रेगुलेट करने का काम करती है। तो अगर आपको ये बनता रेगुलेट होता है सेबी के थ्रू, तो वो एक प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा, तो जिससे जो इन्वेस्टर होगा ना, जो ब्रोकर से डील करेगा, उसको भी ट्रस्ट आएगा। रजिस्टरिंग करना, रेगुलेट करना, वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं जो कि बेसिकली कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करने का मदद करते हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती है, म्यूचुअल फंड्स मैंने बताया ना, उनको भी रेगुलेट करता है ये। प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है सर। इसमें जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, रजिस्ट्रार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, RIA। ये बेसिकली क्या करती है, एक रजिस्ट्रार है जो कि बेसिकली उनको रजिस्ट्रार को रेगुलेट करने में मदद करती है, ताकि वो शेयर को इशू कर सके। शेयर ट्रांसफर एजेंट्स इनके थ्रू रजिस्टर होते हैं, तो वो एक सेल्फ रेगुलेटरी है, मतलब खुद ही रेगुलेट करती है वो रजिस्ट्रार को। बट इनको भी रेगुलेट कौन करेगी, सेबी करेगी। सो सेबी उनको भी रेगुलेट करती है, जो कि खुद सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होती है। कोई फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो सिक्योरिटी मार्केट में, बिकॉज बहुत सारे उस समय स्कैम हो रखे थे। हर्षल मेहता का एक स्कैम था, वहां भी बेसिकली एक स्कैम हो रखा था, जिसके थ्रू बहुत सारे इन्वेस्टर चाहते थे कि भाई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिससे फ्रॉड हमारा ना हो सिक्योरिटी मार्केट में, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना कर पाए। इनसाइडर ट्रेडिंग प्रैक्टिस होती थी, जिसमें कंपनी के बंदे खुद ही अपने कंपनी का शेयर खरीद बेच के मैनिपुलेट करते थे सिक्योरिटी मार्केट में, वो ना हो, ठीक है। और सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एट टेक ओवर कंपनी, मतलब जो बेसिकली शेयर को एक्वायर करते हैं और कंपनी जो टेक ओवर कर देती है उनको रेगुलेट कर पाए, यानी कि कंपनी का मर्जर हो गया, कंपनी की कोई अमालगामेशन होगी, उनको भी कर पाए रेगुलेट, ठीक है। तो ये है हमारा रेगुलेटरी फंक्शन, जिसके अंदर आता है कि भाई तो रेगुलेट करने का फंक्शन, अलग अलग बॉडीज को, साथ ही साथ रजिस्टर करवाती है उनको भी, रजिस्ट्रेशन भी रेगुलेशन में आ जाती है, और कोई भी प्रोहिबिशन करना है ये रेगुलेटरी है। तो ये रूल्स बनाना, रजिस्टर करवाना, ये इसके अंदर फंक्शन आते हैं। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या होता है सेबी का, डेवलपमेंट फंक्शन। आपका डेवलपमेंट करवानी है इन्वेस्टर को, बॉडी को, उनको भी डेवलपमेंट कराने का भी फंक्शन इसका ही है, यानी कि इन्वेस्टर को एजुकेट करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इंटरमीडियरी को भी, कि भाई ब्रोकर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जिससे वो भी अच्छे से काम कर पाए। यानी कि आपके इंटरमीडियरी क्या क्या हो गए, ब्रोकर्स, आपके जो अंडरराइटर्स है, ठीक है, जो भी आपके एजेंट्स बैठे हैं पीछे जो शेयर को बिकवाने का काम करते हैं, और भी आपके जो बेसिकली मर्चेंट बैंकर्स है, ये भी यही काम करते हैं। तो इस तरीके से उनको बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इन्वेस्टर को एजुकेट करना। कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टी, इस पर आपका बेसिकली पब्लिकेशन निकालती है सेबी, जिसके थ्रू आपका लोगों को, पब्लिक को बता सके कि ये चल रही है स्थिति आपका शेयर मार्केट में। प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस, कोड ऑफ कंडक्ट निकालती है बेसिकली सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे वो बेसिकली खुद बहुत बढ़िया तरीके से कोई रूल्स को फॉलो कर पाए। एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा, रूल्स होंगे, फेयर प्रैक्टिस पहले बताई जाएगी, तो वो अच्छे से काम करेगी, उनको फॉलो करवाना पड़ेगा। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना, जिससे वो भी ग्रो हो, क्योंकि सेल्फ रेगुलेटरी क्या फायदा है कि वो खुद रेगुलेट होती है,
है ना। तो आपको बेसिकली किसी को रेगुलेट बार बार नहीं करना पड़ेगा, तो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट किया जाए जिससे वो आगे अलग अलग रेगुलेट कर पाए और बॉडी को। सेल्फ रेगुलेटरी का मतलब ये खुद वो रेगुलेट होती है। वो यही पता सबसे बड़ा पावर्स क्या है, सेबी की पावर्स क्या क्या है, पावर्स क्या क्या है जो सेबी को मिली हुई है आखिरकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए। सबसे पहली पावर क्या है हमारी, पावर टू कॉल पीरियोडिक रिटर्न्स फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज से पीरियोडिकल रिटर्न्स वो मंगा सकती है। बीएससी और एनएससी हमारी मेन है, यानी कि आपका पीएनएल अकाउंट की स्थिति दिखाओ आपकी, ठीक है, आपकी बैलेंस शीट मंगा सकती है जिससे वो समझ पाए कि उनकी फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, तभी तो इंप्रूव हो सकता है ना वो। उसके बाद पावर टू मेक इंक्वायरीज टू बी मेड इन रिलेशन, जिस आपके स्टॉक एक्सचेंज के अफेयर के अंदर कोई भी इंक्वायरी कर सकती है, कोई भी छानबीन कर सकती है और कोई भी तहकीकात कर सकती है। पावर टू ग्रांट अप्रूवल टू बाय लॉस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बाय लॉस का मतलब होता है मतलब उनके अंदर के जो लॉस है उनको बनाना, ठीक है। एक होता है लॉ, एक होता है बाय लॉस। लॉस होते हैं लॉ को फॉलो करवाने के लिए कभी कभी बाय लॉस बनाने पड़ते हैं, ठीक है, बाय लॉस बनाने पड़ते हैं। जैसे लॉ बनाया आपका सेबी ने, एक होता है लॉ मतलब एक लॉ बनाया सेबी ने, एक होता है उसको फॉलो करवाने बाय लॉ बनाया स्टॉक एक्सचेंज ने अपने लिए जिससे वो सेल्फ रेगुलेट हो सके। तो जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो बेसिकली बाय लॉज बनाती है अपने, तो उसी को वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ही बोलते हैं। तो बेसिकली ये बाय लॉज बनाने का काम भी करवाती है जिससे वो उनको अप्रूवल दे सके। लिखा ना पावर टू ग्रांट अप्रूवल, स्टॉक एक्सचेंज जो बना रहा है बाय लॉज अपने उनको अप्रूवल देने का काम करेगी। पावर टू कंपेल लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी को कंपेल करने के लिए भी आपका काम करती है ये, बहुत बढ़िया बात। पावर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट भी तो आपको पता ही है, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम करती है। रजिस्ट्रेशन इंटरमीडियरी का पावर है, इसकी ग्रांट करना अप्रूवल। पावर टू कॉल फॉर एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और पावर टू लिव फी, कोई भी चार्जेस लगाने फी लगाने वो भी का काम है। आई होप ये सारी चीजें पावर आपको अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारा मेन इंपॉर्टेंट में एक और टॉपिक जो कि लिस्टिंग। लिस्टिंग कैसे करवाती है स्टॉक एक्सचेंज में आप, ये और सेबी का काम क्या है इसके अंदर। देखो लिस्टिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, लिस्टिंग मीन्स एडमिशन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एन इंश्योरर इशुअर टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जो भी बेसिकली इशुअर यानी कि कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में आपका आपका कंपनी जो इशू कर रही है वो उसके शेयर्स डिबेंचर्स को लिस्ट करवाना, यानी कि एडमिशन देना, एग्रीमेंट करना स्टॉक एक्सचेंज के साथ जिससे उसको ट्रेडिंग मिल सके, जिससे ताकि वो उसके शेयर बिक सके, तो उसे बोलते हैं लिस्टिंग। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिशन टू डीलिंग्स, ताकि उसके शेयर में डीलिंग कर सके सारे, इज टू प्रोवाइड लिक्विडिटी, ताकि उसके शेयर में लिक्विडिटी और मार्केटिविटी मिल सके। इसका मतलब यही होता है, लिस्टिंग करवाना मतलब एडमिशन करवाना शेयर को अपने सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में, तो बेसिकली ताकि उसको लिक्विडिटी मिल सके, लोग खरीद सके बेच सके। तो एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू एंटर इन टू लिस्टिंग एग्रीमेंट, एक लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज का जिससे लिस्टिंग हो सके। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कई डिस्क्लोजर करवाने पड़ते हैं कंपनी को जिससे वो लिस्टिंग करा सके। ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है, लिक्विडिटी प्रोवाइड हो सके, लिक्विडिटी का मतलब क्या है, खरीदना बेचना फटाफट हो सके, कैश में कन्वर्ट जल्दी हो सके। सेविंग को मोबिलाइज करना मतलब सेविंग को प्रमोट करना जिससे लोग अपनी सेविंग्स जो है निकाल के इन्वेस्टमेंट करवा सके, सेविंग को बेसिकली इन्वेस्टमेंट में बदला जा सके, ठीक है। और बेसिकली इंटरेस्ट इन्वेस्टर तभी डील करता है जब शेयर लिस्ट होगा, इन्वेस्टर तभी खरीद पाएगा ना शेयर, तो इन्वेस्टर जो है उसको इंटरेस्ट आ जाता है, मतलब बेसिकली मतलब इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना उसके इंटरेस्ट को, क्योंकि कंपनी जब फुल डिस्क्लोजर करती है अपनी इंफॉर्मेशन का तो इन्वेस्टर को समझ में आता है कंपनी कितनी जेन्युइन है, समझ रहे हो बात को। उसके लिए लिस्टिंग के लिए क्या क्या रिक्विजिट्स बना रखे हैं स्टॉक एक्सचेंज में जिससे आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये आपको समझना है। वो है बेसिकली आपको एक कंपनी को मेमोरेंडम आर्टिकल्स एसोसिएशन की एक कॉपी देनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर कोई स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस जो इशू करा है, डायरेक्टर रिपोर्ट दो, बैलेंस शीट दो, कोई एग्रीमेंट हो रखा है डायरेक्टर का वो भी दो, उसकी कॉपी दो सारी की सारी। कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का जो है, यानी कि कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रखे हैं, कितने डिवेंचर इशू कर रखे हैं, सबका मुझे दो कैपिटल स्ट्रक्चर, और शेयर डिवेंचर सर्टिफिकेट्स आपने जो इशू कर रखे वो भी दो, अलॉटमेंट लेटर सारा कुछ दो मेरे को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स ये भी दो, एग्जिस्टिंग कंपनी अगर इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी पर्टिकुलर डिविडेंड डिक्लेयर अगर हो रखा है, न्यू कंपनी नहीं एग्जिस्टिंग है तो वो भी दो, ब्रीफ हिस्ट्री कंपनी एक्टिविटी की पूरी ब्रीफ हिस्ट्री दो, ये आपको देनी पड़ती है तब जाके शेयर लिस्ट होता है। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।